आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ते की रेसिपी कैसे बनती है आज यह देखेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे और यहाँ पे मैंने चार प्याज लिए हैं जो लंबे लंबे काट के लिए हैं। इन्हें हमें अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। हमारा प्याज थोड़ा भून गया है तो अभी हम इसमें दो टमाटर जो लंबे करके काट के लिए हैं, 5-6 लहसुन की कलियां और 10-12 काजू लिए हैं, ये भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। उसी के साथ मैंने 2 चम्मच खसखस, 1 चम्मच अदरक की पेस्ट और 4 हरी मिर्चें डाली है। इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। हमारा मसाला भून के तैयार है। अभी इसे हम ठंडा करके मिक्सी में पीसेंगे। अब हम कोफ्ता करेंगे, तैयार करेंगे। तो कोफ्ते के लिए यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं जो उबाल के लिए हैं और 200 ग्राम पनीर और 4-5 हरी मिर्चें जो मैंने छोटा छोटा काट के लिए है। अभी हम इसमें थोड़े से किशमिश, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो बारीक काट के लिए हैं मैंने, इसमें काजू और बादाम है और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धना जीरा पाउडर, थोड़ा सा अदरक पेस्ट और धनिया, इन स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच भर के कॉर्नस्टार्च डाल रही हूँ और 4 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। अभी तो मैंने 4 चम्मच डाले हैं, बाद में अगर मुझे लगते हैं तो मैं और 1 चम्मच ऐड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो 4 चम्मच ही लिया है मैंने मैदा। अभी हमें अच्छी तरह से इन्हें सभी चीज़ों को गूंध लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हमें ऐसे ही गूंध लेना है। देखिए मेरा डो तैयार हो गया है। अभी हम इसके छोटे छोटे बॉल में कोफ्ते बना के लेंगे। 4 चम्मच जो हमने मैदा लिया था वो परफेक्ट मैदा हो गया था, मुझे 1 भी चम्मच ज़्यादा नहीं लगा है। देखते हैं अभी ऐसे छोटे छोटे बॉल लेके हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। हमारे बॉल अच्छी तरह से बन रहे हैं। इसी तरह हम सारे बॉल बना लिए हैं। अब हमें इन्हें डीप फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें 1-1 करके कोफ्ते डालेंगे और इन्हें डीप फ्राई करके लेंगे। हमें कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से डीप फ्राई करके लेना है। हमने जो 4 चम्मच का मैदा इसमें ऐड किया था ये वो परफेक्ट है, क्योंकि हमारे कोफ्ते ना ही फट रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी तरह से वो पक रहे हैं। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छी तरह से हम इन्हें पका लेंगे। हमारे कोफ्तों का कलर तो देखिए कितना सुंदर आया है, ये ना ही फटे हैं ना ही कुछ हुआ है, इनको अच्छी तरह से परफेक्ट हुए हैं और गोल्डन ब्राउन तो कलर बहुत ही सुंदर आया है। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। हमारे सारे कोफ्ते बनकर रेडी है। अभी हम जो हमने मसाला तैयार किया था उसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इस मसाले को मिक्सी में पीस के लिया है, देख सकते हैं आप। अभी हम इस मसाले को एक छलनी से अच्छी तरह से उसको छान के लेंगे ताकि हमें एक स्मूथ पेस्ट मिल जाए। हमें इसे छान के लेना है अच्छी तरह से, देख सकते हैं। इसी तरह से हमें इसकी स्मूथ पेस्ट मिल जाएगी। अब हमें स्मूथ पेस्ट भी मिल गई है और हमारे कोफ्ते भी तैयार है। तो चलिए मलाई कोफ्ता बनाना शुरू कर देते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाले हैं। इसमें मैं 2 तेज़पत्ता, थोड़ा 1 चम्मच जीरा और 4-5 लौंग, 2 इलायची छोटी और जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे अभी। उसी के साथ थोड़े से काजू के टुकड़े भी ऐड करेंगे और थोड़ी ही किशमिश। हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है, तेल में अच्छी तरह से भून लेना है इस मसाले को, जब तक कि ये ऑयल न छोड़ दे।
देखिए हमारा मसाला ऑयल छोड़ने लगा है और अच्छी तरह से भून भी गया है। इसमें अब हम आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच लाल मिर्ची का डाल के और आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धना जीरा पाउडर डाल रहे हैं। हमें इसे अच्छी तरह से मिला के लेना है और इन मसाले को भी तेल हमारा छूटने तक हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसी के साथ हम थोड़ी सी इसमें शक्कर भी ऐड करेंगे। शक्कर से थोड़ा सी मिठास आ जाती है सब्जी में, अच्छी लगती है। हमारे मसाले को अच्छी तरह से ऑयल छूटने लगा है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमें जितनी ग्रेवी की आवश्यकता है उसी के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। किसी को पतली लगती है अगर तो थोड़ा और ज़्यादा पानी ऐड करें, और जिन्हें गाढ़ी लगती है वो थोड़ा कम पानी ऐड करें। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इस ग्रेवी को हमें अच्छी तरह से बॉईल होना है। इसी के साथ हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी क्रश करके इसमें डाल रहे हैं और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। हमारी ग्रेवी को एक बार हिला के चला के लेंगे और इसको बॉईल आने तक रहा देखेंगे। इसी के साथ हम इसमें 1.5 चम्मच भर के ये घर की मलाई है ये भी डाल रहे हैं। इसी से भी मलाई कोफ्ते में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमें इसे इसमें कोफ्ते ऐड कर देने हैं। अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस 5 मिनट इसमें हमें ग्रेवी में इन कोफ्तों को पका लेना है। फिर हमारी मलाई कोफ्ते की ग्रेवी तैयार है, मलाई कोफ्ता हमारा रेडी हो जाएगा। आप भी इसी तरह ये सब्जी बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारी ये सब्जी को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और हमारा मलाई कोफ्ता तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी इसका बहुत ही सुंदर आया है। आप भी इसी तरह ये मलाई कोफ्ता रेसिपी बना के देखना, आपको बहुत ज़रूर अच्छी लगेगी। और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।